अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आमिर शहजाद मिर्ज़ा मेरा नाम है। मैं पिछले 20 साल से डेराज़ खान में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और निस्तर से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। मेरा शोबा जो है वो उसमें नामर्दी, मर्दाना जिनसी मसाइल, बेऔलादी और औरतों के जो इससे मुतलक मसाइल हैं उन सबको मैं देखता हूँ और इसमें मेरा काफ़ी तजर्बा है। इसके लिए मैंने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर काफ़ी सारे ममालिक में काम किया हुआ है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन बेसिकली ये मर्दों का बहुत कॉमन मसला है और पाकिस्तान में ये तकरीबन मर्दों में 30% तक पाया जाता है। इसके काफ़ी सारे मसाइल हैं, इसके वजूहात कुछ समाजी हैं, हमारे माशरती प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पर्सनल वजूहात होती हैं और ये बेसिकली बीमारी नहीं है, एक अलामत है जो अंदर जिसम अंदर और पैदा होने वाली पेचीदगियों को ज़ाहिर करते हैं। तो इसके लिए हम इब्तदाई तौर पर मरीज की हिस्ट्री लेते हैं और हिस्ट्री लेकर उसके बाद उसको जो है ना जो ये नज़र आने वाले मसाइल हैं और जो उनके पीछे पेचीदा मसाइल हैं उनको तहकीक करके उनके इलाज करते हैं और उससे ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो मसला है ये या कुव्वत नामर्दी जो है ये ख़त्म हो जाने के मसाइल को हम इलाज करते हैं। ये जिन लोगों को मसला होता है कि ये वो अपनी वाइफ के पास जाते हैं और उन्हें जो है अपने मुलाकात के शुरू होते ही पहले मिनट में या दखूल से पहले या थोड़े 2 या 3 मिनट के बाद उनका इंजाल हो जाता है और वो अपने यानी कि पार्टनर को या अपने साथी को या अपने साथी को मुकम्मल तौर पे मुतमिन नहीं कर पाते तो ये उसके भी चंद कोई मसाइल होते हैं पेचीदा से, उनके लिए हम फिर उसकी हिस्ट्री लेकर उसका मकसद बीमारी की तशखीस करके फिर उसका इलाज करते हैं और ये पाकिस्तान में काबिले इलाज मर्ज है। नामर्दी के चंद इकसाम हैं, कुछ विरासत में आती हैं, कुछ मर्द के अपने वदूदों का मसला होता है, कुछ उसके जो मर्दाना जरसूमे हैं उनकी तादाद में कमी या उनकी क्वालिटी के बेहतर ना होने की वजह से होते हैं या कुछ बल्कि कई दफ़ा देखा गया ख्वातीन में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब दोनों ही साथी सेहतमंद नहीं होते जिनसी लिहाज से तो उनको नामर्दी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसमें हम कपल काउंसलिंग करते हैं और दोनों की तशखीस करते हैं, जिस तरह भी प्रॉब्लम हो चाहे मर्दाना तरफ कोई मसला हो या खातून के अंदर कोई हार्मोनल इम्बेलेंस हो तो उसको हम इलाज करते हैं और इलाज से ये मसला हल हो जाता है। बुनियादी तौर पे मर्द के लिए सबसे पहले ये हमें तशखीस करना होता है कि उसके वजूहात क्या हैं, उसको कोई बचपन में बीमारी हुई थी उसकी वजह से नामर्दी का असर हो गया है या कोई वदूदों का कोई मर्ज हुआ उसको या इस वक्त उस जरासीम की मकदार में कमी आ गई है या और कई ऐसे वजूहात होते हैं जो तशीस पर मालूम होती है तो उनका फिर इलाज किया जाता है और इलाज से ऐसे मरीज 100% बेहतर हो जाते हैं। ख़वातीन में जो बेऔलादी का मसला होता है उसमें चंद बुनियादी चीज़ें, सबसे पहले खातून की अपनी सेहत होता है, उसका जो माहाना पीरियड्स का तरतीब होती है अगर वो तरतीब डिस्टर्ब हो जाए या उसमें कोई कमी बेशी हो जाए और उसकी कमी बेशी भी उसकी सेहत पर भी मुनसर है, उसे कोई बचपन में बीमारी हो जाए उस पर भी मुनसर है या उसके यानी कि जिस अंदाज में वो खातून रहती है या जो उसके आगे लाइफ में मसाइल कुछ आते हैं इसमें भी जिस्मानी मसाइल भी होते हैं, असबाब होते हैं और साथ कोई समाजी मसाइल होते हैं, समाजी असबाब भी काफ़ी सारे होते हैं जिनकी वजह से ख़वातीन भी बेऔलादी का शिकार रहती हैं। इस फोरम से यानी मरहम के फोरम से मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपके अपनी फैमिली में, आपके अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में या मुल्क से बाहर जानने वालों में, जहाँ जहाँ पर कोई आपका ऐसा कोई जानने वाला दोस्त अजीज रिश्तेदार हो तो आप मुझसे मरहम के फोरम पे रब्ता कर सकते हैं और अगर आप मुझे दोबारा यानी कि
आमने सामने आकर मुझे तशखीस नहीं करवा सकते, तो आप अपनी रिपोर्ट्स मुझे मरहम के ज़रिए भिजवा सकते हैं और उसके ज़रिए मैं आपकी तशखीस करके और जो मतलूबा इलाज होगा वो इलाज लिख कर आपको वापस भेज सकता हूँ। और कहीं पर भी, पूरी दुनिया में कहीं पर भी बैठ कर मरहम के फोरम पर मुझसे रबते में आकर बीमारी का मुतलक बता भी सकते हैं और इलाज भी ले सकते हैं। और इस मामले में मैं और मरहम आपसे भरपूर ताउन करेंगे।